नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मेरी पिछली अनुभूति यानी मेरा पिछला वीडियो जो था वो पशुओं में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी फीटल मेम्ब्रेन, जिसे हम आम भाषा में जीर कहते हैं, उसके रुकने के कारणों के ऊपर था कि क्या वजह है जिसकी वजह से पशुओं में आरओपी यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी जीर रुकने की समस्या आती है। तो हमने उसके कारणों पर चर्चा की थी और उस वीडियो को आपने पसंद किया, सराहा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपने सारे उपाय किए और उसके बाद भी आपके पशु को आपको लगता है कि उसकी जेर रुक गई है या जेर समय से नहीं निकल पा रही है, तब हम क्या करेंगे। उसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे जो आपकी समस्या को, आपके टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो दोस्तों, हम पहले अपने टॉपिक पर आएँ, उससे पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जिन भी साथियों ने अब तक भी मेरा ये चैनल लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल बटन होगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस तरह के वीडियो जो मैं अनुभूति के माध्यम से बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य आपको उस तरह की चिकित्सा सिखाना नहीं है कि मैंने कोई वेटनरी कॉलेज खोलकर आपको ट्रीटमेंट बताना शुरू कर दिया है। मेरा उद्देश्य ये है कि आम पशुपालक भाई, किसान भाई या जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं तो वो उस समस्या को समझें, उसके कारणों को समझें, वो क्या करें जिससे वो समस्या ना आए। और वो अगर मैं जो उपाय बताता हूँ वो करेंगे तो हो सकता है कि उनको डॉक्टर की, पशु चिकित्सक की ज़रूरत कम से कम पड़े। और अगर मान लीजिए कि मेरे बताए उपाय करने के बाद भी आपको दिक्कत आती है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज की समस्या के बारे में आते हैं। आज की समस्या है जेर न रुकना और इसका ट्रीटमेंट। सबसे बड़ी बात हमने पिछली बार की थी कि जब जेर नहीं रुकती है तो उसमें एक वजह थी सब क्लिनिकल हाइपोकैल्शीमिया और एनर्जी की कमी। तो हमारे पशुपालक भाई ये बात जानते हैं कि जब पशु ब्याह जाता है तो वो उसको गुड़ का या इस तरह का एक काढ़ा सा बना कर देते हैं। वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे पशु को एनर्जी आती है। तो जो एक जेर न रुकने का कारण होता है एनर्जी की कमी, वो एनर्जी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका पशु जब ब्याहता है तो आप अभी भी बहुत सारे इलाकों में ये एक प्रचलन है कि जब तक जेर नहीं गिरा देता पशु तब तक उसका दूध नहीं निकालते, बच्चे को दूध नहीं पिलाते। ये बिल्कुल गलत है। आप जो है जितना जल्दी हो सके, ब्याहने के आधा घंटे के बाद जो है उसको बच्चे को पशु के पास ले जाएं, गाय है या भैंस है, जिससे उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन का प्रवाह हो और ये अपने आप में जेर निकलने में बड़ा हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मैं देश के विभिन्न इलाकों में मैंने देखा है कि लोग तमाम देसी उपाय अपनाते हैं। जैसे कुछ हिस्सों में देश की ये है कि वो अपने पशु को बांस की पत्तियाँ खिलाते हैं और वाकई ये उपाय काफ़ी हद तक कारगर है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। और अगर आप ऐसे बेल्ट में हैं जहाँ पर आपको बैम्बू लीव्स यानी बांस की पत्तियाँ अवेलेबल हैं तो आप अपने ताजे प्याए पशु को बांस की पत्तियाँ खिलाएं। ये भी जो है जो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की समस्या ना होने में मदद करता है और जेर गिराने में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने पशु को जो है कैल्शियम की एक अच्छी डोज दें ब्याने के बाद। पंजाब में मैंने देखा बहुत सारे पशुपालक भाई जो है अपने बढ़िया गाय या बढ़िया भैंस को ब्याने के बाद उसको कैल्शियम की बॉटल चढ़ा दिया करते थे कुछ लोग। वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी लेकिन ये आम पशुपालक के लिए नहीं संभव है। तो आपके पास जिस तरह का भी कैल्शियम है आप उसको, अपने पशु को उसकी एक अच्छी डोज दे सकते हैं। मार्केट में तमाम तरह की हर्बल दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे मैं अगर कुछ दवाइयों की फेमस दवाइयों का नाम लूँ तो आयुर्वेद यानी जो डॉबर का वो वेटनरी डिवीज़न है वो एग्जापार के नाम से दवा बना रहा है। एक बहुत पुरानी फेमस दवा यूट्रोटोन है। हिमालया जो है हिमरोप के नाम से बना रहा है दवा। वीरबैक यूट्रीवाइव के नाम से बना रहा है। इस तरह से और बहुत सारे इलाकों में लोकल जो कंपनीज़ हैं वो भी इस तरह के काढ़े या इस तरह की दवाइयाँ बना रही हैं जो इकबोलिक यानी यूटेराइन क्लिनज़र की तरह पर काम करती हैं। तो
इन दवाइयों को देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो काढ़े आते हैं इसमें से कुछ काढ़े ऐसे हैं जिसमें जो अर्गट एल्कलॉइड है, अर्गट जो है यूट्राइन क्लींजर है, इसकी मात्रा जो है वो बिना सोचे समझे उसका असर अच्छा दिखाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा देती है। तो होता क्या है, कुछ केसेस में जब लोग पशुपालक भाई अपने जानवर को जब देख रहे हैं जेर नहीं गिर रही है और उसका 250 ml या 500 ml दे देते हैं या उसकी नॉर्मल खुराक भी देते हैं, तो ये समस्या देखने में आती है कि वो पशु जो है प्रोलैप्स यानी उसकी जो पीछा दिखाना या बेल या फूल दिखना कहते हैं, वो अपना प्रोलैप्स जो है वजैनल प्रोलैप्स जैसी दिक्कत उसमें आने लगती है। तो आप जो है हमेशा एक ट्रस्टेड कंपनी की अच्छी इस तरह की दवा लें। तो ये तो बात थी जो मार्केट में उपलब्ध दवाएं हैं। मेरा एक ख़ास तजुर्बा रहा है होम्योपैथी दवाइयों के साथ, और एक होम्योपैथी औषधि है जो इस बारे में बहुत ही अच्छे जिसके रिजल्ट हैं, और उस दवा का नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 या पल्सेटिला 1 ml जो है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या जेर न रुकने की दशा में एक बहुत ही कारगर दवा है। अगर आप पल्सेटिला का प्रयोग करते हैं अपने पशु को, इसकी आप जो है उसके ब्याने के बाद उसको 2-2 घंटे के बाद उसकी 4 खुराक दें, तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे केस होंगे जहाँ पर आपके पशु की जेर ना निकले। इसके साथ साथ जो है पल्सेटिला के साथ साथ अगर आपके पशु ने बहुत ज़्यादा दिक्कत के साथ वो काविंग हुई है, मतलब ब्याने में उसको बहुत दिक्कत आई है, तो एक दूसरी होम्योपैथी दवा है कालोफिल्लम। तो आप पल्सेटिला और कालोफिल्लम को अगर साथ में ले लें और इसे अपने पशु को दें, तो काफ़ी हद तक जेर न रुकने की, जो जेर न गिरने की समस्या है वो हल हो जाती है। इसकी आप 200 पोटेंसी में ये दोनों दवाएं लें और इसकी 2-2 घंटे बाद डोज दें, और 3 या 4 डोज में ही पशु जो है वो अपनी जेर गिरा देता है सामान्य रूप से। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ ये दिक्कत आती है, कई बार होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। तो मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान ये भी देखा कि एक होम्योपैथी दवा जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी बहुत कारगर है, कई सालों से उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी है और उसका प्रयोग जो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में बहुत कारगर रहा है। और वो दवा क्या है, उस दवा का नाम है यूट्रोजन। गोयल होम्योपैथी की ये दवा है और ये मैंने देखा ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसपास के इलाकों में हर जगह ये अवेलेबल रहती है। और ये यूट्रोजन भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अगर इसको जो है पशुपालक भाई लेकर आते हैं अपने घर में रखी हुई है और इसको ब्याने के बाद अपने पशु को उसका एक एक ढक्कन हर घंटे पर देना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही रेयर ऐसा कोई केस होगा जिसमें जेर न गिरे, वरना जो है पशु अपनी जेर गिरा देता है। तो दोस्तों ये तो थी बातें जो मैं आज आपको बताना चाहता था कि अगर प्लेसेंटा रुक जाए या रुकने की नौबत आ जाए तो हम क्या क्या दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद भी काढ़ा आपने पिलाया, आपने एग्जापार दिया, हिमरोप दिया, या मैंने जो दवा बताई यूट्रोजन दिया, इसी तरह के और भी इक्वली अच्छे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है आपने कोई दिया टेस्टेड, या आप जो है मेरी सलाह पे पल्सेटिला और कालोफिल्लम ले आए तो उसको आपने दिया, तो उससे भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो आप उस स्थिति में जो है अपने 24 घंटे बाद अगर आपका पशु खा पी रहा है स्वस्थ है तो आराम से आप उसको इन दवाइयों को दीजिए और 24 घंटे तक वेट करिए, और अगर 24 घंटे बाद भी दिक्कत बनी रहती है तो आप अपने नज़दीकी जो योग्य पशु चिकित्सक हों उनसे मिलकर, उनको बुलाकर आप अपने इस पशु को दिखा सकते हैं और जो भी उस समय उपचार की आवश्यकता है वो उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी जानकारी के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैं प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस या सर्विको वेजाइनल प्रोलैप्स जो होता है इस पे भी मैं कोई एक अपना वीडियो बनाऊं, तो जल्द ही मैं जो है अपना अगला वीडियो जो है वो प्रोलैप्स के ऊपर बनाऊंगा, इसके क्या कारण है और इसका क्या उपचार है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।